नमस्कार दोस्तों, भारतीय रेल यानी हमारी रेल जो जुड़ी है हर आम भारतीय के जीवन से, जिसमें गरीब हो या अमीर, हर किसी को अपनी मंजिल तक पहुंचाया है, जिसने इस देश को गति के साथ साथ प्रगति भी वरदान दिया है। इसी भारतीय रेल भविष्य की रेल नेटवर्क बनने की तरफ बढ़ चुकी है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम भारतीय रेल के कुछ अपकमिंग मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में जानेंगे, जिसमें आपको भारतीय रेल में होने वाली आमूलचूल परिवर्तन के बारे में पता चलेगा। इसलिए वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखिएगा। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिएगा, ताकि ऐसे ही और नॉलेजेबल वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। स्टेशन रीडेवलपमेंट प्रोग्राम। दोस्तों, 2016 के रेल बजट के साथ शुरू हुआ स्टेशन रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाई थी। स्टेशन रीडेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत स्टेशनों में नवीनतम तथा बेहतर यात्री सुविधाओं के साथ साथ कॉमर्शियल आउटलेट्स का भी प्रावधान होगा, जैसे रिटेल डेवलपमेंट, ऑफिस स्पेस, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, होटल्स, कॉन्फ्रेंस हॉल आदि। इस प्रोग्राम के तहत स्टेशन शहर के केंद्र बिंदु या यूं कहें नर्व सेंटर ऑफ द सिटी बन सकते हैं। स्टेशन रीडेवलपमेंट की ये योजना पब्लिक प्राइवेट आधार पर कार्य करेगी, जिसमें रेल की भूमि पर निवेश कर होने वाली आय से सुविधाएं दी जाएगी। इस योजना में लगभग 1,00,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होने का अनुमान है, जिसके लिए 100% FDI को मान्यता दी गई है। प्रारंभिक स्तर में स्टेशन रीडेवलपमेंट के लिए ऐसे स्टेशन को प्रमुखता दी गई है जो शहर के बीचों बीच स्थित है, जिसके लिए प्रथम फेज में 23 प्रमुख स्टेशनों के लिए निविदाएं जारी कर रेलवे बोर्ड द्वारा इस परियोजना को शुभारम्भ किया गया है। इन 23 स्टेशनों में रोजाना 33,00,000 लोगों का आवागमन होता है और यहाँ लगभग 140 एकड़ अतिक्रमण क्षेत्र उपलब्ध है। यदि हम सभी 400 स्टेशनों में उपलब्ध जमीन को देखें तो ये कुल 2200 एकड़ जमीन पे अभी निवेश होना है। इस योजना को सफल बनाने में उन कॉमर्शियल डेवलपर्स का प्रमुख योगदान होगा जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर आधारित इस प्रोजेक्ट पर निवेश करेंगे। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि स्टेशन रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट से इंडियन रेलवे को अलग प्रगति की ओर ले जाएगा, साथ ही यात्रियों को एक बेहतर स्टेशन परिसर मुहैया कराया जा सकेगा। बिलासपुर मनाली ले लाइन। दोस्तों, लद्दाख का सुदूर उत्तरीय कोना देश की राजधानी दिल्ली से रेल लाइन से जुड़ने जा रही है। इस दिशा में भारतीय रेलवे तेजी से काम कर रहा है। इस रेल प्रोजेक्ट का नाम बिलासपुर मनाली ले लाइन होगा। राजनीतिक रूप से इसका खास महत्व है, क्योंकि कुछ ही दूरी पर चीन की सीमा पड़ती है। भारतीय रेलवे के इतिहास में इस लाइन का निर्माण सबसे मुश्किल माना जा रहा है, क्योंकि काफी दुरूह इलाके में रेल लाइन बिछाई जाएगी। बिलासपुर मनाली ले रेल लाइन का प्रस्तावित खर्च 83,360 करोड़ रुपए है और ये 465 किलोमीटर लंबी लाइन होगी। प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद दुनिया की ये सबसे ऊंची रेलवे लाइन होगी। निर्माण के बाद इस लाइन की ऊंचाई समुद्री सतह से 5,360 मीटर ऊंची होगी। थोड़ी बहुत इसकी बराबरी किंगाय तिब्बतीय रेल लाइन से कर सकते हैं, क्योंकि चीन स्थित ये लाइन भी समुद्री सतह से 2000 मीटर की ऊंचाई पर है। लद्दाख में बनने वाली इस लाइन पर भारत चीन सीमा के पास 30 स्टेशन होंगे। बिलासपुर और लेह को जोड़ने वाली ये लाइन सुंदरनगर, मंडी, मनाली, किलोंग, कोकसर, दरचा, उपसी और कारू से गुजरेगी। सभी स्टेशन हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर के होंगे। 465 किलोमीटर लंबी इस लाइन का 52% हिस्सा सुरंग से होकर गुजरेगा। इसमें सबसे लंबा सुरंग 27 किलोमीटर का होगा। सुरंग के अंदर से कुल 244 किलोमीटर लाइन गुजरेगी। पहले फेज के सर्वे के मुताबिक 74 सुरंग, 124 बड़े पुल और 396 पुलिया बनेगी। लाइन की एक बार बन जाने के बाद इससे सुरक्षा बलों को काफी मदद मिलेगी। साथ ही लद्दाख क्षेत्र में पर्यटन बढ़ने से इलाके का तीव्र विकास होगा। जिरीबाम इम्फाल रेल लाइन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। दोस्तों, उत्तर पूर्व के राज्यों में रेल के दायरे को फैलाने के लिए भारतीय रेलवे जोर शोर से जुटा हुआ है। इसके तहत 111 किलोमीटर लंबी जिरीबाम तुपुल इम्फाला के बीच रेलवे लाइन पर काम तेजी से चल रहा है। यह प्रोजेक्ट मणिपुर की राजधानी इम्फाल को
राज्य के पश्चिमोत्तर शहर जिरीबाम से जोड़ेगा। जिरीबाम शहर असम के कचर जिले में पड़ता है। वर्तमान में मणिपुर की राजधानी इम्फाल में रेल के कनेक्टिविटी नहीं है। अगले साल जून तक इस लाइन पर देश का सबसे बड़ा गर्डर पुल तैयार हो जाएगा। ये पुल नंबर 164 है और इसकी ऊंचाई 141 मीटर है, जो कि कुतुब मीनार की तुलना में दुगना ऊंचा है। वर्तमान में यूरोप की माला रिजे का लाइन 139 मीटर ऊंचाई के साथ सबसे ऊंचा गर्डर पुल है। इस रेलवे लाइन के प्रोजेक्ट का काम साल 2020 तक पूरा होना है। इस परियोजना के लिए नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे की लागत लगभग 13,800 करोड़ रुपए होंगे। इस परियोजना के जटिलता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 111 किलोमीटर के रेल लिंक में कम से कम 149 पुल होंगे और बाबर सुरंग से होकर गुजरेगा, जिसमें देश का सबसे लंबा सुरंग मार्ग भी शामिल है। जिरबाम और ढोलखाल के बीच 12.5 किलोमीटर लंबी लाइन का काम पूरा हो गया है और मालगाड़ियां इस सेक्शन पर चलने लगी है। ढोलखाल और तुपुल के बीच का खंड 2020 तक पूरा होने की उम्मीद है। नोनी नमक शहर के पास स्थित दुनिया के सबसे ऊंचे गर्डर रेल पुल पर भी काम चल रहा है। सरकार की योजना मणिपुर के सीमावर्ती शहर जिरीबाम इम्फाल रेल लाइन को विस्तारित करने की है, जो भारत के ब्रॉडगेज रेलवे नेटवर्क को म्यांमार से जोड़ता है। 100% ट्रैक इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोग्राम। दोस्तों, मोदी सरकार ने रेलवे ट्रैक का 100% विद्युतीकरण करने का फैसला किया है। केंद्रीय कैबिनेट ने रेलवे ट्रैक के 100% विद्युतीकरण के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस फैसले के बाद 2022 तक देश के सभी ब्रॉडगेज रेलवे लाइनों का विद्युतीकरण किया जाएगा। रेलवे ट्रैक को 100% विद्युतीकरण करने के बाद रेलवे के ईंधन बिल में प्रतिवर्ष 13,510 करोड़ रुपए की बचत होगी। विद्युतीकरण के इस काम में 12,134 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा और इस कार्य को 2021 से 2022 तक पूरा कर लिया जाएगा। रेलवे ट्रैक के 100% विद्युतीकरण से रेलवे की लाइन क्षमता में बढ़ोतरी होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि बाधा रहित ट्रेन संचालन हो सकेगा। सुधरी हुई सिग्नल प्रणाली से ट्रेन संचालन और ज्यादा सुरक्षित होगा। इतना ही नहीं, पेट्रोलियम आधारित ईंधनों की आयात निर्यात की कमी से देश की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित होगी। जाहिर है कि मोदी सरकार के इस फैसले के तहत कुल 13,675 किलोमीटर मार्ग यानी 16,540 किलोमीटर ट्रैक का विद्युतीकरण किया जाएगा। ट्रेन 20। दोस्तों, भारतीय रेलवे की ट्रेन 18 श्रेणी की गाड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस को सफलता के साथ चलाने के बाद अब ट्रेन 20 पर तेजी से काम कर रही है। ये दोनों ही ट्रेन भारत की सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ियों में है और इनका निर्माण पूरी तरह भारत में किया जा रहा है। ट्रेन 18 और ट्रेन 20 धीमे धीमे राजधानी एक्सप्रेस और शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ियों की जगह लेंगे। ट्रेन 18 के बारे में आप काफी कुछ जानते हैं, आइए अब ट्रेन 20 की खूबियों के बारे में आपको बताते हैं। ट्रेन 20 को पूरी तरह भारत सरकार के मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत बनाया जा रहा है। ये एक सेमी हाई स्पीड ट्रेन है जिसकी रफ्तार 200 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। इस ट्रेन में ट्रेन 18 की सभी खूबियां होंगी। इसमें अधिक चौड़े स्लाइडिंग दरवाजे होंगे और बाथरूम में पानी भी सेंसर से आएगा। ट्रेन 18 को जहां कम दूरी की यात्रा के लिए डिजाइन किया गया है, वहीं ट्रेन 20 का डिजाइन लंबी दूरी की यात्रा के लिए है। ट्रेन 20 में आम रेलगाड़ियों की तरह स्लीपर कोच होंगे। इसमें एसी फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास और थर्ड क्लास होंगे। इस ट्रेन की 2020 में पूरा होने की उम्मीद है और इसलिए इस ट्रेन को ट्रेन 20 नाम दिया गया है। इसका निर्माण चेन्नई स्थित रेल कोच फैक्ट्री में किया जाएगा। पहली बार ट्रेन 20 के कोच एल्युमिनियम के बने होंगे। अभी तक भारतीय रेलवे कोच बनने के लिए स्टील का इस्तेमाल करता है, लेकिन इस ट्रेन के कोच बनाने के लिए एल्युमिनियम का इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों, इसके अलावा भी भारतीय रेलवे की कुछ और मेगा प्रोजेक्ट्स है, जैसे कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, चेनाब रिवर ब्रिज, अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन कॉरिडोर और हाइपर लूप ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जैसे प्रोजेक्ट्स। और अगर आपको इन प्रोजेक्ट्स के बारे में जानना है तो हमने इस पर पहले से ही अपकमिंग मेगा प्रोजेक्ट वीडियोस बनाए हैं और उन सभी वीडियोस का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप एक बार जरूर चेक कीजिए। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को एक छोटा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।